सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय दिस दिस दिस। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू वर्ड यूज ना करता, स्मॉलेस्ट वर्ड यूज करता, तो इट मींस कि एलसीएम निकालना है। तो 3, 4, 5, 6। अब मैं एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर सॉल्व करूंगा तो देखिए 3 नहीं कटा, 4 कटा, 2, 5 नहीं कटा, ये कटा 3, फिर 2 से कट किया तो 3 नहीं कटा, ये 1, 5, 3। फिर देखिए 3 काटा तो ये हो जाएगा 1, 1, 5 नहीं कटा और ये 1, 5 से काटा 1, 1, 1, 1। जो नंबर से इनका मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता मेरा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन यहाँ पे वर्ड ये यूज कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जरूरी है कि यहाँ पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। देखो यहाँ तो आपका क्या हो रहा है, तो ये 2 का पेयर कंप्लीट है लेकिन 3 का और 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो देखो एलसीएम अगर पूछता तो मैं सबका मल्टीप्लाई करता 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिनका पेयर नहीं कंप्लीट है उन नंबर्स का और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मैंने ब्लू से लिखा है, अगर आपका क्वेश्चन होता है एलसीएम तो इतना ही आंसर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो इसका पूरा मल्टीप्लाई होगा, वो आपका आंसर होगा। अब देखिए 2 अब मल्टीप्लाई करना है तो 2 और 5 का पेयर बन जाता है, इसका आंसर आ जाएगा 10। ऐसे 2 और 5 का पेयर बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10। तो 10 × 10 कितना हो गया 100। अब अच्छा 3 और 3 का मल्टीप्लाई करना तो 3 × 3 क्या होता है 9। तो 9 × 100 कितना हो जाएगा, 900 आपका आंसर हो जाएगा।